अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा मैं इस पर सोच रहा था कि लहरा वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की जीमेल का वेट कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद आई है तो मैंने सोचा कि नहीं बनाते। एनीवेज, मेरे पास आज जो मोबाइल मौजूद है वो है वीवो S1। आज मैं इसका ब्रीफ सा रिव्यू करूँगा, उसके बाद एक गेम प्ले एज यूजुअल जो करता हूँ। सो इस मोबाइल की बैक की बात कीजिए तो आपको पीछे 3 कैमराज मिलेंगे, जिसमें से एक 16 मेगापिक्सल का, एक 8 का और एक 2 मेगापिक्सल का। 16 का आपको मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है और साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसके फ्रंट की बात कीजिए तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जिसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है। और साथ इसकी रैम की बात की जाए तो आपको इसमें 4GB की रैम मिलेगी। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 128GB का। इसके अलावा ये एंड्रॉइड 9 पे अपडेटेड है। इसके अलावा इसके चिपसेट की बात की जाए तो आपको इसके अंदर ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि मीडियाटेक हीलियो P65 के चिपसेट के साथ आता है। सो अपना गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स, आई थिंक मोर सेटिंग्स एंड अबाउट फोन। तो इसमें जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 9 है, रैम इसकी 4GB है, ठीक है। इसके अलावा अपना गेम प्ले करते हैं। बस 2 गेम्स पड़ी हुई हैं, एक पबजी और एक फीफा मोबाइल। तो पबजी स्टार्ट करते हैं मिशन। यस, हमारी गेम ऑन हो गई है। मैं सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इसकी सेटिंग्स, ग्राफिक्स HDR सपोर्ट करता है, HDR पे अवेलेबल नहीं है ये, और हाई पे। और इसकी जो सेंसिटिविटी है ये वो सेम ही है जो गेम प्रोवाइड करती है आपको। यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ एशिया पे, एशिया सेव एंड क्लासिक। ओके, HDR पे होने के बावजूद कोई लैग फेस नहीं होता। 4GB रैम, ओके ठीक है। मुझे बंदा चाहिए यहाँ पे, एक ओके इसका पीक एंड फायर भी ऑन कर लेते हैं। पीक एंड फायर इनेबल, ओके ओके सही। सो मैं कुछ फिर से सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ग्राफिक्स एंड हाई और साथ HD पे, क्लासिक पे। सो
होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।